औरैया जिले के विधुना क्षेत्र से गत 13 फरवरी को घर से दवा लेने के लिए कानपुर गए अधेड़ का शव बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिलने पर पोस्टमार्टम के बाद शव पैतृक गांव पहुंचा तो गांव में कोहराम मच गया। शोकाकुल माहौल में दिवंगत का दाह संस्कार कर दिया गया है। वहीं दिवंगत युवक के भाई ने अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि औरैया जिले के कोतवाली विधुना से 13 फरवरी को नवीन बस्ती पश्चिमी निवासी संतोष कुमार 45 वर्ष पुत्र जगराम घर से दवा लेने कानपुर के लिए गया था। जब वो वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। भाई अनुज ने कोतवाली में गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीते दिवस बागपत पुलिस के द्वारा फोन पर एक व्यक्ति के शव की फोटो सहित जानकारी दी गई जिस पर स्वजनों ने दिवंगत अधेड़ की पहचान संतोष के रूप में की। दिवंगत अधेड़ का जैसे ही शव बुधवार को घर आया तो कोहराम मच गया। शोकाकुल माहौल में अधेड़ का पैतृक गांव रतनपुर समाइन में दाह संस्कार कर दिया गया। दिवंगत अधेड़ के भाई अनुज ने अज्ञात लोगों पर भाई का अपहरण कर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। अनुज कुमार ने कहा कि भाई के साथ पॉलिथीन में डॉक्टर के पर्चे थे जिसमें घर का नंबर लिखा था जबकि उनका पर्स और रुपए गायब थे। दिवंगत अधेड़ के दो पुत्र उत्कर्ष एवं हर्षित हैं जबकि दिवंगत 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। भैया की मतलब पकड़ हुई अभी दूना से 13 तारीख को 5:30 बजे भैया निकले घर से तो भाई वहीं चौराहे पे गायब हो गए। मैं जानकारी हमें 14 तारीख को हुई 9 बजे हुई। जब मतलब फिर कानपुर निकल गए भैया को वहाँ ढूंढने के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई मतलब भैया का कोई पता ही नहीं चला। डॉक्टर ने कहा यहाँ आए नहीं, तुमने फुटेज देखी वहाँ कैमरे में, भैया वहाँ पहुँचे ही नहीं थे। फिर हम भैया को आपने पहुँचा भैया थाने जाओ, थाने अपने धंधो जाके। तभी अब गए तो उन्होंने कहा कि आज तो संडे, आज कुछ नहीं होगा, कल आना। मतलब 14 तारीख को जब 14 गए, मतलब 15 तारीख जब 15 गए तो 15 उन्होंने एप्लीकेशन ले लिया मेरा। लेकिन अपलीकेशन लेके बोले जाओ शाम को फोन। हमने कहा फोन कब तक ट्रेस होगा, बोले शाम तक हो जाएगा। जब शाम को गए तो बोले आज नहीं हुआ, होगा कल होगा। 16 तारीख को 16 फिर सुबह गए हम तो बोले आज सुबह देखो शाम तक करवाते हैं। तब तक 11 बजे खबर आ गई वहाँ से। कहाँ से? बागपत से जी। क्या आई कि आपके ये पूछा कि आप कौन, मतलब कौन है जी, आपके कोई भाई हुए? हमने कहा हाँ। बोले क्या नाम है? हमने संतोष। बोले आपका? हमने मेरा नाम अनुज है। बोले आप मतलब कैसे हैं? कलर रंग कुछ आने का ऐसे है। बोले फोटो भेजो भैया के। हमने फोटो भेजी, हमने कहा भैया के यहाँ फोटो मेरे पास भेज दो। मेरे पास फोटो आई, हमने कहा भाई ये मेरे भैया। फिर हम यहाँ से निकल गए जी जी। उन्होंने कहा कोई मतलब थाने से लो, थाने में कोई था नहीं तो हम अकेले चले। बोले आ जाओ अकेले, हम आप बॉडी दे देंगे जी। तो वहाँ गए तो वहाँ मतलब भैया को मतलब सुबह आज बॉडी मिली, हमें दिखाई गई। फिर पोस्टमार्टम वहाँ क्या बताया गया, किस अवस्था में पुलिस को वहाँ मिले थे? पुलिस को मतलब लटके मिले ये पेड़ पे फांसी। और इनके पास कोई कागज नहीं है, मतलब कोई इनका ना आधार कार्ड है नहीं, फांसी पे लटके थे। फांसी पे लटके मिले यहाँ। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।